शर्त लगा सिपाही की चड्डी गीली हो जाएगी। या तो एक्सपीरियंस है तो समझ जाएंगे। रुक जाओ, देखते हैं देखो भाई सिपाही की चड्डी गीली होती है या नहीं। हो गई हो गई। कल सोच रहे थे कि कल व्याजन जी की ऊपर मूर्ति पे जाया जाए, लेकिन कल नहीं गए। तो आज क्या हुआ कि आज भाई साहब मौसम इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है ना, इतना ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है। वैसे अभी बज रहे हैं शाम के चार, मैंने पंकज को कॉल किया, मैंने कहा पंकज यार आओ यार चलते हैं कहीं। और तो अभी जा रहे हैं पुनावाला जी। वैसे भी हम लोगों की जो बाइक चलाने की स्पीड होती है ना, वो होती है मैक्सिमम 20, मैक्सिमम मैक्स से मैक्स 30, 20 से 30 के बीच में। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है कि यार ये हम लोगों ना अपनी गाड़ी वैसे तीसरा और चौथा गियर निकलवा देना चाहिए। ठीक है, तो अभी रास्ता भी अच्छा है, मौसम भी एक नंबर हो रहा है, मौसम का आनंद लेते लेते चलो भाई। फर्ज से भरा था बस तब वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चंट कर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। सफर वैसे यार आज दिन कौन सा इतनी भीड़ है यहाँ पे? शनिवार भीड़ होती है? संडे आज ना, संडे वाला दिन वो तो कह रहे। अच्छा आज यार वैसे भीड़ अच्छी खासी है और पता नहीं गिला ही बहुत है यहाँ पे। घंटा दो का तावड़ा टंगा है यहाँ पे। कसम से कान टंटना गया यार। यार यहाँ पे पता नहीं आप लोगों ने गौर किया है या नहीं, ये तो कितनी बढ़िया पेंटिंग है और ये भी ना पूरी नेचुरल कलर से है। तो यार अभी फिलहाल मंदिर आ चुके हैं और पता है बालाजी मंदिर पे आके विशाल की फोटो बहुत बढ़िया आती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ये जो स्पॉट दिख रहा है ये वाला, ये कांग्या, ये यहाँ पे अपना विशाल भाई फोटो पोज देता है, बहुत बढ़िया वाला है। यहाँ पे उसकी फोटो आती है भाई एक नंबर, फोटो स्पॉट। फोटो स्पॉट है भाई। और मंदिर ये रहा मंदिर पीछे, अब मैं मंदिर के अंदर तो जाने वाला नहीं भाई। और एक चीज़ और, सीढ़ियाँ थोड़ी सी गीली हैं, सो बी केयरफुल, आ जाओ। अबे यार जूते मेरे गीले हो जाएंगे पता, और जूते गीले हो गए ना पूरे अंदर तक गीले हो जाएंगे यार जूते। डर लग रहा है यार। जय हो गणेश जी। ये देखो भाई, पता किस तरह तुम चल, ये भाई देखो खतरों का खिलाड़ी पत कैसे आ रहा है। लेकिन वो भीग जाएंगे हमें लग रहा है। हाँ उसकी भाई शर्त लगा सिपाही की चड्डी गीली हो जाएगी। या तो एक्सपीरियंस है तो समझ जाएंगे। रुक जाओ देखते हैं देखो भाई सिपाही की चड्डी गीली होती है या नहीं। हो गई हो गई हो गई। अरे यार अरे भाई चड्डी उसकी गीली हो रही, सर्दी आप लोगों को लग रही है भाई। यार फील हो रही पता।
ये देखो भाई यार, अब तो अब बाहर निकला है। यार अभी हम लोग नीचे थे, अब नीचे से अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। अभी वैसे अभी हम लोग हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी यहाँ से मतलब टॉप फ्लोर पे चलने की कोशिश हो रही है भाई। आओ चलो टॉप पे चलते हैं, पहले तो कपड़े वपड़े डले हैं। कोई है तो नहीं? कोई नहीं है। और भाई पता है, वैसे ये पूछना जरूरी होता है कि भाई कोई है तो नहीं, क्योंकि यहीं पे लोग नहाते रहते हैं और फिर ऐसे ही कपड़े वपड़े चेंज करने आ जाते हैं, इसलिए। वैसे अगर जिस किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो बालाजी मंदिर है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मानने वाला मंदिर है। कैसे बोलते हैं मानने वाले मंदिर, मतलब सिद्धि है बहुत। हाँ सिद्धि है बहुत, मतलब बहुत माना जाता है इस मंदिर को। क्योंकि पहली चीज तो ये कि ये जो नदी दिख रही है ना, ये है पहुँच नदी है ना, इसका वैसे दूसरा नाम भी है पुष्पावती गंगा, ठीक है। और अगर आपको स्किन डिसीज है या स्किन के रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो आप यहाँ पे आइए, इस नदी में डुबकी लगाइए और आपकी स्किन डिसीज, भाई साहब कहते हैं कि 100% ठीक हो जाती है। हाँ वो तो खैर है, मतलब किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज है तो इस पानी में, वैसे देखने में भले ही लगेगा कि ये पता ही नीला नीला गंदा बंदा सा कैसा तो पानी है, लेकिन भाई साहब ये क्या है? ये कैमरा है, ये कैमरा देखो, इसमें देखिएगा, इधर आओ, दिख रहा है? इसमें तुम भी दिख रहा है, जब ऐसे में आती है ना तो तुम भी दिख रहे हो। हाय, नाम क्या है छोटू? प्रिंस, प्रिंस लाचकार। अरे वाह, वो भी कैमरा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो वैसे? कुछ नहीं, हम तो ऐसे खेलने हैं। अच्छा खेलने हैं, डर गए यार। अरे हेलो हेलो कर लिया ना, हेलो, अब कितनी बार हेलो करेगा? ये बताओ कितने पढ़ते हो? 5। अरे 5 में? नाम तो फ्रेंड से लेकिन दांत राक्षस जैसे। एक बार दांत दिखा दे, बैठो तो। अच्छा भाई को बुलाना है, पता नहीं क्या खेल रहा है ये। अरे प्रिंस का भाई है वहाँ पे, दिख रहा है? चलो भाई, डर लग रहा है, डर लग रहा, रुक जाओ, खा ले, उनके दांत से डर लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा एक और जो मेन चीज है ना, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं ना मकर संक्रांति पे, जो अभी 14 जनवरी को आने वाली है मकर संक्रांति, तो यहाँ पे इतनी भीड़। ये देखो पता है, ये कोई जो बूढ़ी दादी है ना, ये पता नहीं यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये पता है ये कोई दादी है, एज भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो मैं कह रहा था मकर संक्रांति के लिए कि यहाँ पे मकर संक्रांति पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और एक्चुअली मकर संक्रांति पे यहाँ पे लोग इतने आते हैं, इतनी संख्या में आते हैं डुबकी लगाने कि भाई सबके पाप धुल जाएंगे, जगह नहीं मिलती है। हाँ यार ये बात है भाई, जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मैं भी आया हूँ कई बार यहाँ पे मकर, हाँ इस बार मकर संक्रांति पे आएंगे अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो। हाँ कुंड बने हुए ना, देखो 1-2 वहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, कुआ है, कुआ है। अच्छा बहुत गहरे। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, बात है सन शायद 2010 या 2011 की, हम आए थे यहाँ पे संक्रांति पे ही नहाने, ये वाला जो कुंड दिख रहा है, ये वाला कुंड, तो यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से हम फिसले थे, यहाँ से फिसल के नीचे। अच्छा? मेरे हाथ में लग गई थी, अभी भी निशान है शायद, मैं बताऊँ तुम्हें। हमें लगाना, बताओ। अरे अरे यहाँ से कहाँ से लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो भैया, उधर से देखना है क्या कर रहा है। वाह यार तुम तो, टीका एक सेकंड, वाह जय हो बालाजी महाराज। लेकिन ये टीका तुमने निकाला कहाँ से भाई? अरे इधर एक मूर्ति है। अच्छा तो यहाँ से उस साइड से मूर्ति है, अबे मूर्ति कह रहा है उधर से है, रुक जा जरा देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ से मूर्ति दिख रही है। और ये डिस्कवरी,
ये डिस्कवरी मूर्ति की है यहाँ पे शायद। अरे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि फिर से मकर संक्रांति पे आया जाएगा 14 जनवरी को, ठीक है, डुबकी लगाने। देखते हैं यहाँ पे मेरे साथ और कितने सारे लोग आते हैं उस टाइम पे, है ना। तो और अगर आप में से अगर कोई भी अगर यहाँ पे नहीं आया ना दर्शन दर्शन करने, तो आ जाओ यार झांसी के पास में, इतना माना और यार बढ़िया इतना माना होगा मंदिर है भाई। बंदे ने पता बिल्कुल सही टीका लगाया गोल, बिल्कुल यहाँ से दिखेगा मंदिर ना, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है यार ये तो, कैसा ऐसा है ना। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। चलो हनुमान जी की है अपना बालाजी की। ओके यार, तो भाई इसी नोट पे ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय हिंद जय बालाजी महाराज।